हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक टी शर्ट को बनाने में कितने कारीगरों की ज़रूरत पड़ती है, कितना खर्चा आता है और कौन कौन सी मशीनों का यूज़ होता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों और पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, पूछ रहे थे कि टी शर्ट बनाने में कितना खर्चा आता है और कितने कारीगरों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके कमेंट का ही जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कमेंट पर भी हम वीडियो बनाएं तो दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट करें हमें, हो सकता है अगली वीडियो में हम आपके सवाल का जवाब दें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एक टी शर्ट बनाने में कितनी मशीनों का यूज़ होता है। तो देखिए, एक टी शर्ट बनाने के लिए दोस्तों दो मशीनों का यूज़ होता है। जो पहली मशीन है फोर थ्रेड मशीन और दूसरी मशीन है फ्लैट लॉक मशीन, क्योंकि टी शर्ट बनाने के लिए इन दो ही मशीनों का यूज़ किया जाता है, तीसरी मशीन का यूज़ नहीं होता। दोस्तों बात करते हैं कि टी शर्ट बनाने के लिए कितने कारीगरों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों जब दो मशीनों का यूज़ होता है तो दो ही कारीगरों की ज़रूरत पड़ेगी। एक कारीगर फोर थ्रेड मशीन पर बैठता है और दूसरा कारीगर बैठता है फ्लैट लॉक मशीन पर। तो एक टी शर्ट बनाने के लिए दो कारीगरों की हमें ज़रूरत पड़ती है। फोर थ्रेड मशीन का यूज़ ये होता है दोस्तों, ये यहाँ पे साइटें जो लगती हैं, यहाँ पे साइटें लगती हैं और यहाँ पे ये कंधी जोड़ी जाती है, जो भी ये फोर थ्रेड मशीन से होता है। ठीक है, फ्लैट लॉक मशीन का काम होता है ये आस्तीन की मोरी मोड़ना और ये नीचे का बॉटम मोड़ना और कॉलर पे सिलाई लगाना। फ्लैट लॉक मशीन का काम ये होता है। तो टी शर्ट बनाने के लिए हमें दो कारीगरों की ज़रूरत पड़ेगी। एक बंदा फोर थ्रेड मशीन पे बैठेगा और दूसरा बंदा फ्लैट लॉक मशीन पर बैठेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एक टी शर्ट बनाने में कितना खर्चा आता है, यानी कितनी कॉस्ट आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कारीगरी की। तो कारीगरी में दो बंदों की ज़रूरत पड़ती है। तो फोर थ्रेड वाला जो बंदा होता है ₹5 वो लेता है और ₹5 लेता है फ्लैट लॉक मशीन वाला बंदा, यानी एक टी शर्ट की कारीगरी ₹10 होती है। ये मैं बिल्कुल सादा सिंपल टी शर्ट की बता रहा हूँ, जिसमें कोई ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि काम के हिसाब से रेट होते हैं। मैं सादा सिंपल टी शर्ट के ही रेट बता रहा हूँ। तो दोस्तों ₹10 कारीगरी के हो गए और प्लस ₹5 और ख़र्चा आ जाता है, क्योंकि स्टिकर लगता है उस पर और धागा लगता है और फिर पैकिंग होती है और टैग लगता है। ये सारी चीज़ों का ₹5 और ख़र्चा आ जाता है, यानी ₹10 कारीगरी प्लस ₹5 ऊपर का खर्चा आ जाता है। ये मैं सादा सिंपल टी शर्ट के रेट बता रहा हूँ और जितना काम होगा उतने रेट बढ़ेंगे। आप चाहें उसमें ₹50 लगा दो वो भी कम है, लेकिन मैं कम से कम वाला रेट बता रहा हूँ। हो सकता है आपके यहाँ ज़्यादा हो कम हो, उसका मुझे नहीं पता। मैं अपने एरिए का रेट बता रहा हूँ। मेरे यहाँ एक टी शर्ट ₹10 में तैयार हो जाती है, बल्कि कई जगह तो मैंने ऐसा देखा है 10 से भी कम में तैयार हो रही है एक टी शर्ट, बिल्कुल सादा सिंपल, जिसमें कोई ज़्यादा काम नहीं होता। हो सकता है आपके यहाँ 12-15 में तैयार हो, उसका मैं नहीं कह सकता। मेरे यहाँ एक टी शर्ट की कारीगरी ₹10 चल रही है, ₹5 ऊपर का खर्चा आ जाता है। अगर आप प्रेस करवाएंगे उस पर तो और ख़र्चा बढ़ जाएगा, मैं बिना प्रेस के बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं आपके सवाल का जवाब दूँ तो अपना सवाल भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।